Hello cuties, welcome back to my channel Blinken Army's Filmy Fan Fiction। और आज से मैं आप सबके पास एक न्यू फैन फिक्शन लेकर आई हूँ जिसका नाम है किस द किलर। ये बेसिकली एक इंडोनेशियन फैन फिक्शन है और हमारी ऑथर वीइंग आशु ने इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट किया है और अब से मैं ये आप सबको हिंदी में सुनाऊंगी। तो चलिए बढ़ते हैं स्टोरी के पार्ट वन में। पर हाँ, उससे पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और हाँ, ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कर देना। ओके, तो अब फाइनली बढ़ ही जाते हैं आगे। इस शाम आसमान बहुत ही खूबसूरत लग रहा था सफ़ेद बादलों के साथ। एक पल रुकने के बाद मेरी नज़र आंखें बंद करने से पहले एक खूबसूरत जगह पर पड़ी। हरे भरे पहाड़ के साथ एक खूबसूरत प्राकृतिक दृश्य। मेरी नज़र उस बोर्ड पर पड़ी जिस पर इस एरिया का नाम लिखा हुआ था जहाँ से अभी अभी मैं गुज़रा हूँ, वेलिस स्विस। आगे बढ़ने से पहले मैं थोड़ी देर रुका सिगरेट को जलाने के लिए। मेरे होठों के पास की ये सिगरेट ही अब मेरे चलने की साथी है। मैं धीरे से चल रहा था आसपास की खूबसूरती का मज़ा लेते हुए। चलते वक्त चेहरे पे साफ हवाएं लग रही थी जो अमेजिंग था। ओकेशनली मेरे कोट का हेम ब्लैक और ननियानो था। मेरा लॉन्ग ब्लैक कोट हवा में लहरा रहा था। मेरे इस सफ़र का एक लक्ष्य है। मुझे नहीं पता मैं इतनी एक्साइटेड क्यों हूँ किसी से मिलने के लिए। जब भी मुझे मेरी कड़ी मेहनत से खुशी मिलती तो अचानक ही उसकी याद मेरे मन में आती, होप और डिज़ायर के साथ। मैं यही हूँ, चलता जा रहा हूँ इस लंबे हवादार सुंदर जगह से। मुझे नहीं पता मैं कब से चल रहा हूँ, बस इतना ही समझ पाया हूँ कि अभी रात होने वाली है। मेरे एक हाथ में एक ब्लैक ट्रैवलिंग बैग है। उस वक्त मैंने अपने सिगरेट को नीचे फेंक दिया और अपने पैरों से उसे मसल दिया। तभी एक कार रुकी जिसमें कोई था और मैं दो कदम के पीछे जाकर अपना सर हल्का झुका लिया। तभी मुझे दिखा एक यंग मैन जो ड्राइविंग सीट पर बैठा हुआ था। इस चेहरे को मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ जिसके होठों पे एक वार्म स्माइल है। हेलो डैशिंग, उन होठों ने अपने मेलोडियस वॉइस में मुस्कुराकर बोला। मैं शॉक्ड था और उसकी स्माइल बड़ी हो गई। एक पल के लिए मैं स्टंट रह गया। मैंने नोटिस ही नहीं किया कि वो फिगर कब मेरे सामने आ गई। मैंने पहाड़ों से आती हवाओं को महसूस किया। मैं कुछ देर आसपास देख रहा था उसकी ओर फोकस करने से पहले। तुम यहाँ क्या कर रहे हो, मैंने पूछा। तुम कहाँ जा रहे हो, उस यंग मैन ने पूछा। चैम्परी, चलो मैं तुम्हें पहुंचा दूं। मैं तब भी चुप था, मेरा दिमाग सवालों से भर गया था। वो आखिर यहाँ आया कैसे? वो स्वीट यंग मैन अपनी प्लीडिंग आंखों से मुझे देख रहा था। कम ऑन, तुम डर क्यों रहे हो, फिर से मेरे कानों में उसकी आवाज़ सुनाई दी। फाइनली मैं उसके पास वाली सीट में बैठ गया। सफ़र थोड़ा लंबा था पर मुझे उसकी ड्राइविंग स्टाइल थोड़ी अजीब लग रही थी। मैं थोड़ा हैरान परेशान था, गाड़ी हाई स्पीड से चल रही थी। आसपास का नज़ारा बहुत ही खूबसूरत था। हमारे आसपास कोई और व्हीकल नहीं था, सिर्फ हमारी गाड़ी ही चल रही थी। मैंने उसे वार्निंग देकर कहा, धीरे गाड़ी चलाओ।
पर उसने मुझे कम्प्लीटली इग्नोर किया। सीन, प्लीज़ स्लो चलाओ। मुझे लगा उसका नाम बुलाने से वो थोड़ा धीरे चलाएगा। मैं फिर से हैरान हो गया क्योंकि उसने मुझे इस बार भी इग्नोर किया। मुझे उसकी आंखों में गुस्सा नज़र आ रहा था। अचानक से मेरे शोल्डर पे कुछ हिट हुआ और मैंने कहा, सीन। मैं पूरे डिसबिलीव के साथ चिल्ला उठा और मेरा शरीर अब बाउंस हो गया दरवाजे के साथ। वो रेड सैडन अभी भी चले जा रहा था और मेरा शरीर यहाँ वहाँ बाउंस हो रहा था। जब मैंने अपनी आँख खोली तो मुझे बिल्कुल नहीं पता था कि मैं कहाँ हूँ। जब मैंने अपनी आँख खोली थोड़ी देर बाद मुझे बिजलिंग की आवाज़ आने लगी। दो से ज़्यादा लोगों की बातें मेरे कानों में आ रही थी। मेरे बॉडी के कुछ पार्ट्स नंब हो गए थे। तभी मुझे एक अनजाना चेहरा, एक अनफेमिलियर वॉइस सुनाई दिया जिसने कहा, क्या हुआ डेविड, इसे कौन यहाँ लाया? ये हमें रोड के पास बेहोश मिला था, क्या तुम मुझे सुन सकते हो? मैं अभी भी हाफ कॉन्शियस था। तब कोई मेरे पास आया। तभी मैंने नोटिस किया कि मेरे पास कोई और आ रहा है जिसने डार्क ब्लू यूनिफॉर्म पहन रखा है। पुलिस, तुम्हारा नाम क्या है? एक और आवाज़ मेरे कानों में आई। एक्चुअली मुझे हुआ क्या है, मेरे साथ हो क्या रहा है, यही सवाल इस वक्त मेरे दिमाग को खा रहा था, ख़त्म कर रहा था। सारे पजल्स मेरे दिमाग में मधुमक्खी के छत्ते की तरह था। क्या तुम एशियन हो, चाइना से आए हो? दिखने में लग रहा है हिट एंड रन केस। हिट एंड रन? किसने मुझे हिट किया और मैं आखिर हूँ कौन? मुझे कुछ भी याद नहीं है। ये कैसे हो गया, मैं सब कुछ कैसे भूल सकता हूँ? मुझे कुछ भी याद नहीं। तुम कहाँ से आए हो, क्या तुम मुझे सुन सकते हो? तुम्हारे साथ आखिर क्या हुआ था? डॉक्टर ने फिर पूछा पर मुझे कुछ याद ही नहीं था। मुझे कुछ धुंधला सा याद आ रहा था। एक गाड़ी चल रहा था और मैं किसी के साथ बैठा हुआ था। जो कुछ भी मुझे याद आ रहा था वो किसी मूवी का क्लिप जैसा था। उस मेमोरी में ऐसा था कि किसी ने एक बैग में कुछ आइटम्स भर लिया, एक पेपर और एक ब्लैक बॉल पेन भी। काले कपड़े पहने हुए औरत के साथ मैं था। फिर फैमिली फेस कोई था जो थोड़ी ही देर में गायब हो गया। एक विदेशी महिला और एक आदमी था और एक अट्रैक्टिव स्वीट यंग मैन भी। जो कुछ भी हो रहा था बहुत ही तेज़ी से हो रहा था। मेरी आंखें तब झट से खुल गई जब मैंने वो लास्ट इमेज देखा जिसमें एक क्यूट यंग मैन को एक शार्प नाइफ से मार दिया गया। नहीं, मैंने किसी को मार दिया, मैं आखिर हूँ कौन? मैं झटके से उठ गया, मेरी आंखें बरी बरी हो गई थी। खिड़की से आती ठंडी हवाएं मेरे चेहरे को छू रहे थे। जो कुछ भी मैंने देखा वो बस पागलपन था। मैंने फिर से अब सोने की कोशिश की। एक क्यूट यंग मैन हर वक्त मेरे साथ ही खड़ा था और मुझे देख रहा था। शायद वो आंखें मुझसे पूछना चाहती थी कि मैं कैसा हूँ। जब मैंने उसकी ओर मुड़कर देखा तो वो कमरे से जा चुका था। मेरा दिल उछलकर गिरने वाला था जब मैंने देखा कि वो यंग मैन फिर से यहाँ आ गया। नेक्स्ट हॉल से वो मेरी ओर आ रहा था एक डरावने लुक के साथ। मैं थोड़ा पीछे हो गया। मैं उससे एक सवाल पूछना चाहता था। मैं नर्वस था और डरा हुआ भी। मुझे नहीं लगता हम पहले कभी मिले हैं, इससे पहले कि मुझे कुछ डाइजेस्ट हो पाता।
वो मुझे ऐसे ही छोड़कर चला गया, मेरे एक भी सवाल का जवाब दिए बगैर। मैं पूरी रात उस क्यूट यंग मैन के बारे में ही सोचता रहा, पर मुझे कोई जवाब नहीं मिला। मुझे सिर्फ मेरा खुद का नाम याद है, मेरा नाम वोंग इबो। मैं ज्यूरिच में रहता हूँ। इसके साथ ही मुझे फील होता है कि मैंने कोई अपराध किया है। वो किस तरह का क्राइम था मुझे ये याद नहीं। इस वक्त मेरे पास सिर्फ डर है और कुछ भी नहीं। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए बाय बाय क्यूटीज़, बाय बाय बाय।